मेरी पैदाइश पंजाब की है और वो पंजाब आज पाकिस्तान में, तो इसलिए शुरू से मैं अपने आप को एक साउथ एशियन समझती हूँ। सब मुल्कों को मैं अपना मुल्क समझती हूँ, मगर बड़ी में हुई राजस्थान के गांवों में, वही सरकारी स्कूलों में पढ़ी 10वीं तक, फिर सरकारी कॉलेज और सरकारी यूनिवर्सिटी में पढ़ी। और मेरी खुशकिस्मती थी, है कि मेरे माँ बाप ने मुझे रोका नहीं। और उस ज़माने में मेरे ख्याल से आज जितना है ना कि ये लड़की है ये लड़का है, शायद उससे कम था। मैं अकेली लड़की होती थी, बंटे खेलने में भी मैं उनसे सबको हरा देती थी, साइकिल भी उनके बराबर चलाती थी, जो भी खेल थे वो मैं सब खेलती थी। ऐसे करते करते बड़ी हो गई। उस ज़माने में ये नहीं था कि आपको 90% मार्क्स लाने हैं, तो पास हो जाते थे और पढ़ाई लिखाई ख़त्म करके इंडिया से, और फिर जर्मनी जाके मैं पढ़ी। एक साल जर्मनी में नौकरी भी करी, बड़ी अच्छी सरकारी नौकरी वहाँ मिली थी, ये हमारी डेवलपमेंट वर्कर्स को ट्रेन करने की। मगर 11 महीने बाद लगा मैं खुद क्यों नहीं अपने मुल्क वापस चली जाती, तो 11 महीने नौकरी करके फिर रिज़ाइन करके मैं अपने मुल्क वापस आ गई और राजस्थान वापस गई। और वहीं पर एक उदयपुर में एक एनजीओ था, उस वक्त छोटा सा था मगर धीरे धीरे काफ़ी बड़ा हो गया, सेवा मंदिर। और उसके बाद मुझे यूनाइटेड नेशंस ने इनवाइट किया उनके साथ काम करने को, वही काम एनजीओ वर्कर्स को ट्रेन करना मगर एशिया लेवल पर, और सरहदों के पार उनको एक दूसरे से मिलवाने की कोशिश करना ताकि हम एक दूसरे को जाने पहचाने, एक दूसरे से सीखें, और एक पड़ोस में जो सीखने के मौके होते हैं उनसे एक दूसरे से सीखें। धीरे धीरे जैसे मैंने गरीबों के साथ काम किया, दलितों के साथ काम किया, तो मैंने देखा कि गरीबों में औरत ज़्यादा गरीब है, दलितों में औरत ज़्यादा दलित है, माइनॉरिटीज़ में औरत और भी बड़ी माइनॉरिटी है। फिर धीरे धीरे एक कॉन्शियस फेमिनिस्ट मेरे अंदर पैदा होने लगी। बचपन से लेके अब तक तो ज़िंदगी ने बहुत करवटें ली हैं, और मेरी ज़िंदगी का सबसे ख़राब मोमेंट तो मैं कह सकती हूँ कि जब मेरी बेटी 27 साल की मीतो, जो एक डांसर थी, हिस्टोरियन थी, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट थी, साउथ एशियन थी, फेमिनिस्ट थी, वो एकदम से अपना जिस्म छोड़ के चली गई। वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पीएचडी कर रही थी। ये हुआ 10 बरस पहले। तो ये मेरी ज़िंदगी का शायद सबसे ख़राब मोमेंट था, जो इस ज़िंदगी में तो कभी मेरे दिल से दूर नहीं होगा। कुछ लोगों की नज़र में एक और मोमेंट था 35 साल पहले, जब मेरा बेटा, जो बेटी से छोटा है, उसको टीका लगाया और उस टीके का रिएक्शन हो गया और उसने उसके ब्रेन को डैमेज कर दिया। तो मेरा बेटा 35 साल का है और वो पूरी तरह से डिसेबल्ड है, वो बोल नहीं सकता, उसके मोटर फंक्शंस नहीं हैं, वो हाथ पैर उसके कुछ नहीं चलते, मगर माशाल्लाह बहुत फर्स्ट क्लास है, हंसता है और मतलब खुश रहता है। उसका जिस्म कुछ नहीं कर पाता मगर ऐसा लगता है कि बड़ी ज़बरदस्त रू लेके आया है, और 35 साल से हमारे साथ रहता है और हमें खूब सिखाता है सुबह से शाम तक, पेशेंस किसे कहते हैं, हर हाल में जीना किसे कहते हैं, वगैरह वगैरह। तो ये दो कुदरत की दी हुई बड़ी चोटें हैं। देखो, हर काम में चैलेंज होते हैं, इस काम में मुझे कोई ख़ास एक्स्ट्रा चैलेंज नहीं लगे और आज तक ये नहीं लगा कि इस काम की वजह से मुझे रोका गया या कोई ज़्यादा परेशानी हुई।
कोई भी मैं काम करती, औरत होने के नाते उसमें परेशानियां होती, काफ़ी हद तक एक्सेप्ट किया गया काम को। और 27 बरस यूएन में काम करने का मौका मिला, और वो सारा काम पड़ोसी देशों में था, तो ऐसा मौका तो मुझे और किसी काम में नहीं मिल सकता था कि मैं पड़ोसी देशों में काम करूं, क्योंकि मैं समझती हूं कि जब तक पड़ोस में अमन नहीं होगा, किसी मुल्क में अमन नहीं हो सकता। और अगर अमन नहीं होगा तो आम लोगों की तरक्की नहीं हो सकती। जो समाज में कुछ बुराइयां हैं उनके खिलाफ काम करते हैं तो कुछ लोगों को वो पसंद नहीं आती, मगर कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी ने बहुत ज़ोर से आके हम पे रोक लगाई हो या कुछ किया हो। एक जनरल एटमॉस्फेयर है। तो घर में भी कई दफ़ा मजाक मजाक में भाई लोग कहते हैं अपनी बीवियों से, ये मेरी इस वाली बहन से दूर रहना, ये ज़रा ज़्यादा ही फेमिनिस्ट है, तुम्हें बिगाड़ देगी। मगर ऐसी चीज़ों के अलावा कुछ नहीं हुआ, और इस काम ने बहुत मौके दिए। OBR का जो कॉन्सेप्ट है, कैसे स्टार्ट हो गया और क्या सोच के हुआ? जी, OBR की शुरुआत की थी एक हमारी अमरीकी दोस्त ने, उसका नाम है ई वेंसलर। ई वेंसलर बचपन से ही अपने अब्बा की हवस की शिकार थी। उसके अब्बा ने बचपन में उसके साथ रेप किया, तो जब वो बड़ी हुई तो उसने इसके ऊपर एक प्ले लिखा, द वेजाइना मोनोलॉग्स। उस प्ले को लोगों ने बहुत पसंद किया, और उस प्ले की जो किताब थी वो न जाने कितनी ज़मानों में उसका तर्जुमा हुआ, और उस प्ले को दुनिया के बहुत सारे देशों में खेला गया। उससे उसके पास पैसे आए और भी किताबें लिखी। उस पैसे से उसने औरतों के ग्रुप्स की मदद करना शुरू किया दुनिया के अलग अलग ममालिक में, देशों में। तो उसने सोचा 1 बिलियन राइजिंग शुरू करने का। 1 बिलियन राइजिंग, राइजिंग मैंने उमड़ते उठते, किसके खिलाफ? औरतों पे होने वाली हिंसा या तशद्दुद के खिलाफ। 1 बिलियन क्यों? क्योंकि पूरी दुनिया में 7 बिलियन के करीब लोग हैं जिसमें से आधी औरतें हैं, और यूएन का कहना है कि हर 3 में से एक औरत अपनी जिंदगी में किसी न किसी तरह की हिंसा सहती है। इसका मतलब हुआ कि 1 बिलियन लड़कियां और औरतें हिंसा सहती हैं। 1 बिलियन, 100 करोड़। अब आप सोचो कितना बड़ा जंग है ये। इससे बड़ा जंग दुनिया में कोई और नहीं है जिसमें 1 बिलियन लोगों के साथ हिंसा हो रही है। और इस जंग के साथ एक जो सबसे बुरी चीज़ है वो ये है कि ये ज़्यादातर घरों के अंदर होता है। तो इस हिंसा से पता लगता है कि हम कैसे परिवारों में, कैसी फैमिलीज में रह रहे हैं, कितनी हिंसा है वहाँ। और ख़ास तौर से उन देशों में जहाँ हम कहते हैं फैमिली वैल्यूज़। अरे काय की फैमिली वैल्यूज़ भाई? अब जैसे हिंदुस्तान में हम देखें तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्टैटिस्टिक्स है कि 40% हस्बैंड्स, पति देवता शौहर, अपनी पत्नियों पर हिंसा करते हैं। 100 में से 40, यानी 100 में से 40 शादीशुदा मर्द क्रिमिनल्स हैं कानून की नज़र में। फिर लड़कियों के ऊपर जो रोक टोक है, ये मत पहनो, ऐसे मत खड़ी हो, बाहर मत जाओ, सीट मत बजाओ, स्कूल मत जाओ, खेलो मत, बस काम करो और सहना सीखो। तो शायद 1947 के पहले
ये हम कबूल कर लेते। लेकिन 1947 के बाद हमारे संविधान ने साफ साफ लिखा कि औरत और मर्द, लड़का लड़की बराबर है। तो आज इस गैर बराबरी को कबूल करना, इसका मतलब है अपने संविधान के खिलाफ जाना, अपने कॉन्स्टिट्यूशन को नकारना। तो इस तरह से OBR शुरू हुआ और मुझे कहा गया कि मैं जनूबी एशिया या साउथ एशिया की कोऑर्डिनेटर बनूं। तो मैं पिछले 4 साल से ये काम कर रही हूँ और बहुत मजा आ रहा है इस काम में। इन सब का अंत करना है, खातिर साउथ एशिया में बहुत और लोगों से मिलना हो रहा है, उनके साथ दोस्तियां हो रही हैं, उनके साथ मिलकर ये काम हो रहा है और दुनिया के जो और तमाम मुल्कों में ये हो रहा है उनके साथ भी साल में एक बार मिलना होता है। हम कोऑर्डिनेटर्स मिलते हैं साल में एक बार इसको प्लान करने के लिए। और मुझे लगता है कि जब तक हमारे फैमिलीज में बराबरी नहीं आएगी, समाज में बराबरी नहीं आ सकती। जब तक फैमिली में औरत की इज्जत नहीं होगी, तब तक बाहर सड़क पर इज्जत नहीं हो सकती। जब तक फैमिली में डेमोक्रेसी नहीं आएगी, तब तक बाहर सड़कों पर डेमोक्रेसी नहीं आ सकती। 1 बिलियन राइजिंग सिर्फ औरतों के लिए नहीं है, उन सब लोगों के लिए है जो बराबरी पसंद करते हैं, जो अमन पसंद करते हैं, जो फैमिलीज को खुश देखना चाहते हैं। तो इसमें लड़के, मर्द, लड़कियां, औरतें सब शामिल हैं और 207 देशों में ये चल रहा है। और इसमें हम ज़्यादा जोर इस बात पर दे रहे हैं कि मर्द अब ये समझें कि पितृसत्ता या पेट्रियार्की उनको कैसे डीह्यूमनाइज कर रही है, उनसे कैसे उनकी इंसानियत छीन रही है। क्योंकि मेरा मानना है कि कोई मर्द अगर किसी औरत का रेप कर सकता है, वो तभी कर सकता है जब उसके अंदर का इंसान मर चुका है। कोई खाविंद अपनी बीवी पर तभी हाथ उठा सकता है जब उसका अंदरूनी इंसान मर चुका है। और कोई मर्द किसी लड़की को छूकर, उसकी ब्रेस्ट को छूकर खुश हो जाता है तो उसका बैंड बच चुका है बेचारे का। और कोई राह चलती लड़की को, औरत को, जिससे उसकी कोई दुश्मनी नहीं है, उल्टा सीधा कह देता है। कोई लड़की जिसको वो पसंद करता है और कहता है कि मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, वो मना कर देती है और ये जाके उसके चेहरे पर एसिड फेंक देता है। ये कोई इंसानी हरकतें नहीं हैं। और इन मर्दों को अब ये जानने की ज़रूरत है कि कैसे पेट्रियार्की ने उनको ख़राब किया है। मैं नहीं मानती कि कोई भी मर्द वायलेंट पैदा होता है, वो वायलेंट बनते हैं, क्योंकि हम उनको हर तरह की आज़ादी देते हैं, उन पर कोई रोक नहीं है। आज भी हम अपनी लड़कियों को कहते हैं बाहर मत जाओ, बाहर रेप होता है। लड़कों को नहीं कहते कि बाहर मत जाओ, लड़के रेप करते हैं। तो हमारा इसमें बहुत बड़ा जो हिस्सा है वो मर्दों के साथ काम का है और मर्दों को चैलेंज करने का है कि वो सोचें
जैसे औरतों ने सोचा कि पेट्रियार्की उनका कितना नुकसान कर रही है, अब मर्द सोचें कि उनका भी पेट्रियार्की कितना बड़ा नुकसान कर रही है। हो सकता है हम थक जाएं और ये आगे न बढ़े, लेकिन 1 बिलियन राइजिंग तो कंप्लीट तब होगा ना जब वायलेंस ख़त्म हो जाएगी। अब मेरी ज़िंदगी में तो मुझे ये वायलेंस ख़त्म होती दिखती नहीं, क्योंकि दुनिया में कोई मुल्क ऐसा नहीं है जिसमें वायलेंस नहीं है। सिर्फ औरत और मर्द की बराबरी की बात नहीं करते हम, ब्राह्मण और शूद्र के बीच बराबरी की बात करते हैं, अब हिंदू मुसलमान के बीच बराबरी की बात करते हैं, अमीर गरीब देशों के बीच बराबरी की बात करते हैं। बीबी पेट्रियार्की एक सोशल सिस्टम है। इस सोशल सिस्टम में मर्द को बेहतर माना जाता है कि वो औरत से बेहतर है, सुपीरियर है। जैसे कास्ट सिस्टम में ब्राह्मण को बाय डेफिनेशन सुपीरियर माना जाता है, जैसे रेस वाले सिस्टम में गोरे सुपीरियर हैं कालों से। और फिर तमाम तरह की बातें लाई जाती हैं कि ये अल्लाह को ज़्यादा प्यारे हैं गोरे या मर्द या ब्राह्मण। और इस सिस्टम में रिसोर्सेज पर, डिसीशन मेकिंग पर और आइडियोलॉजी पर मर्दों का ज़्यादा कंट्रोल होता है। तो इस सिस्टम में औरत नीची, मर्द ऊंचा। क्यों? क्योंकि मर्द कह रहे हैं। जैसे ब्राह्मण कैसे ऊंचा है कि ब्राह्मण कह रहा है, और फिर वो मजहब का सहारा लेते हैं, फिर वो सुपरस्टिशन का, अंधविश्वास का सहारा लेते हैं कि जी ब्राह्मण तो ब्रह्मा जी के सिर से पैदा हुआ था। भाई हमने तो आज तक किसी को किसी के सिर से पैदा नहीं होते देखा। इसी तरह वाइट्स कहते हैं कि साहब वाइट्स आर सुपीरियर टू ब्लैक पीपल। व्हाट नॉनसेंस। तो पेट्रियार्की एक गैर बराबरी वाला सिस्टम है, और पेट्रियार्की हर जगह गैर बराबरी फैला रहा है। पेट्रियार्की की वजह से ही औरत पर वायलेंस होती है। पेट्रियार्की बिना वायलेंस के नहीं चल सकती, जैसे कास्ट सिस्टम बिना वायलेंस के नहीं चल सकता। ऐसे ही मर्दों को 2-4 थप्पड़ मार के औरत को बताना पड़ता है कि देख मैं पति हूं, पति का मतलब मालिक, मैं शौहर खामिद हूं उसका मतलब मालिक, मैं हस्बैंड हूं उसका मतलब कंट्रोलर। तो पेट्रियार्की अगर है तो वायलेंस अगेंस्ट वेमेन होगी ही, क्योंकि जिसको आप अपने से कमतर समझते हैं, जिसको आप अपने से नीचा समझते हैं, उस पर हाथ उठाना इज ओके। और आपको लगता है कि आपका फर्ज है औरत को मार के ठीक करना, तो बीच बीच में कुछ औरतों के ऊपर ये करना पड़ता है। सब औरतों को मारने की ज़रूरत नहीं है। आप दिल्ली में 2-4 बहुत ही ख़तरनाक किस्म के रेप कर दो तो सारी औरतें घर बैठ जाएंगी कि भैया मैं जाऊँगी तो मेरा भी होगा, मेरे साथ कभी रेप नहीं हुआ। मगर क्या मैं कभी भी रात को बगैर पीछे देखे, बगैर डरे सड़क पे निकल सकती हूँ? नहीं निकल सकती, क्योंकि उन रेप्स ने मुझे भी बता दिया है कि तू भी रेपेबल है, तेरा भी रेप हो सकता है। और आज तो हम देख रहे हैं कि कैपिटलिज्म का पेट्रियार्की से बहुत नज़दीकी रिश्ता है और वायलेंस से बहुत नज़दीकी रिश्ता है। आज पैसा बनाने के लिए पोर्नोग्राफी एक $1 बिलियन इंडस्ट्री है, और पोर्नोग्राफी क्या करती है, औरत को एक चीज़ बना देती है, एक ऑब्जेक्ट बना देती है, और मर्द को एक सब्जेक्ट। इसी तरह कॉस्मेटिक्स जो औरत को सिर्फ एक जिस्म बना देती है कि तू अगर खूबसूरत नहीं है, तू अगर गोरी नहीं है तो तू किसी काम की औरत नहीं है, तेरी अगर बारबी डॉल जैसा जिस्म नहीं है तो तू किसी काम की औरत नहीं है। और हम औरतें इस जाल में फंसी हुई हैं। तो पेट्रियार्की सिर्फ मर्दों में है ऐसा नहीं है, हम औरतें भी पेट्रियार्की जीते हैं, इसको मानते हैं,
और जिस तरीके से हम कपड़े पहनती हैं और लिपस्टिक्स लगा लगा के चलती हैं, ये सब करती हैं, ये पेट्रियार्की का हिस्सा है। मर्द को लिपस्टिक लगाने की ज़रूरत नहीं है, मर्द को अपने जिस्म को सजाने की ज़रूरत नहीं है, उसको पैसा कमाने की ज़रूरत है। पैसा होगा तो 70 साल का मर्द 25 साल की लड़की ले आएगा, रहेगा, 1, 2, 3, 4 जो उसकी मर्जी आएगी। तो अब कैपिटलिज्म में जिस तरह का मीडिया है, एडवर्टाइजमेंट्स, हॉलीवुड बॉलीवुड फिल्में, औरतों के जो वो नंगे नाच, वो आइटम नंबर्स, बार 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 औरत को एक चीज बना देना और मर्दों को एक वायलेंट इंसान बना देना, तो कैपिटलिज्म जो खिलौने बना रहा है लड़कों के लिए, बंदूक, वो 2 साल का है तो उसको खिलौना बंदूक पकड़ा देते हो और फिर बड़े हैरान होते हो कि ये टेररिस्ट कैसे बन गया, ये कैसे वायलेंस कर रहा है सड़कों पे। अरे आपने तो ट्रेनिंग दी है उसको, घर में बंदूकें देके उसको उकसा के तू लड़का है तू रोएगा नहीं, लड़कियों को बारबी डॉल ला के पकड़ा दो कि बस तूने ऐसी बारबी जैसा बनना है, इतनी बड़ी ब्रेस्ट, इतने बड़े हिप्स, इतनी पतली कमर, और बस उसका सपना यही बन जाता है कि मैं वैसी एक सेक्सुअलाइज्ड औरत बन जाऊं। पिछले 30-35 साल से फेमिनिज्म के खिलाफ क्रिटिसिज्म आते हैं और बहुत अफवाहें हैं हमारे बारे में कि हम एंटी फैमिली हैं, हम फैमिली को पसंद नहीं करते। इससे बड़ा झूठ और बकवास कोई और नहीं है। अब मैं हमेशा कहती हूं कि अगर मैं बीमार हूं और मैं डॉक्टर के पास जाती हूं और कहती हूं कि डॉक्टर साहब बुखार आ रहा है, और डॉक्टर मुझे एनालाइज करके कहता है कि कमला तुम्हें मलेरिया है, वो बताता है कि मेरे जिस्म में कोई प्रॉब्लम है, तो वो डॉक्टर मुझे मारना चाहता है कि मुझे जिंदा रखना चाहता है? जिंदा रखना चाहता है, वो बता रहा है मेरे अंदर क्या कमी है ताकि मैं इलाज कर सकूं। हम फेमिनिस्ट तस्वीर बनाते हैं असली के, ये देखो ये खानदान में हो रहा है, डाउरी दे रहे हो, बेटियों की भ्रूण में हत्या कर रहे हो, 40% हस्बैंड्स अपनी बीवियों पर हाथ उठा रहे हैं। तो हम अगर तस्वीर खींचते हैं परिवार की जो हकीकत पर बेस्ड है, तो हम फैमिली को प्यार करते हैं और फैमिली को बचाना चाहते हैं, और जो लोग इन बीमारियों को ढकते हैं तो फिर फैमिली सुधरेंगी कैसे, बेहतर कैसे होंगी? और अगर फैमिली के अंदर वायलेंस है, इनइक्वालिटी है, तो बच्चे कैसे खूबसूरती से बड़े हो सकते हैं? फिर हमें कहते हैं कि हम मजहब के खिलाफ हैं। हाँ, अगर मेरा मजहब कहता है कि दलित अछूत है, अगर मेरा मजहब कहता है कि दलित मंदिर नहीं जा सकता है, कुएं से पानी नहीं ले सकता है, अगर मेरा मजहब कहता है, चाहे हिंदू है, चाहे मुसलमान है, चाहे क्रिश्चियन है, कि मर्द सुपीरियर है, औरत मंदिर नहीं जा सकती क्योंकि वो मेंस्ट्रुएट करती है तो हमें पता नहीं रहता कि मैं औरत होते हुए कैसे मान लूं कि कोई भी मजहब ऐसा हो सकता है जो 50% पॉपुलेशन को कहे कि तुम इन्फीरियर हो? ये तो बहुत ही घटिया रिलीजन हुआ। तो हम असली मजहब के खिलाफ नहीं है जो हमें मोरालिटी सिखाए, जो हमें एथिक्स सिखाए, जो हमें इंसाफ, बराबरी, सच सिखाए। और असली मजहब वही है, असली स्पिरिचुअलिटी वही है। बाकी ये मजहब जो एक दूसरे से नफरत करना सिखाते हैं, दूसरे मजाहिब से नफरत करना सिखाते हैं, और एक ही मजहब के अंदर एक ग्रुप को दूसरे ग्रुप से लड़वाते हैं, उसको हम मजहब नहीं कह सकते। तो हम झूठे धर्म के खिलाफ हैं, सच्चे धर्म को प्यार करते हैं और चाहते हैं कि सच्चे धर्म फैले। यदि फेमिनिस्ट वो हैं जो बाल कटाती हैं, अब जैसे मैं हूँ बाल कटी फेमिनिस्ट, तो भैया मैंने फेमिनिज्म की वजह से बाल नहीं कटाए, मैंने उस वजह से बाल कटाए जिस वजह से मर्द बाल कटाते हैं।
कि भैया फटाफट सूख जाए, फटाफट काम हो जाए और मैं आगे बढ़ूं, क्योंकि मर्दों को बहुत काम है, मुझे भी बहुत काम है। तो मेरे बाल काटने का मेरे फेमिनिज्म से कोई लेना देना। अगर मैं सिगरेट पीती हूं तो मुझे कहते हैं कि फेमिनिस्ट सिगरेट पी रही है, फेमिनिस्ट सिगरेट पीती हैं। भैया मेरे फेमिनिज्म की किसी किताब में नहीं लिखा हुआ कि फेमिनिज्म बनने, फेमिनिस्ट बनने के लिए सिगरेट पीनी है। मैं सिगरेट इसलिए पीती हूं क्योंकि मैं बेवकूफ हूं, जैसे मर्द सिगरेट इसलिए पीते हैं कि वो बेवकूफ हैं, वो समझते हैं कि इससे वो बड़े मर्दाने बन रहे हैं या उनकी थकान जा रही है, तो औरत भी बेवकूफ हो सकती है। तो मेरे सिगरेट पीने का मेरे फेमिनिज्म से कोई लेना देना नहीं। फिर ये कहा जाता है कि फेमिनिज्म बड़ी बदमिजाज होती है, अग्रेसिव, लड़ाकू। तो अगर मैं किसी के साथ बदतमीजी करती हूँ तो वो कमला बदतमीजी कर रही है, फेमिनिस्ट बदतमीजी नहीं कर रही। फेमिनिज्म का बदतमीजी से कोई लेना देना नहीं है। ये मेरी कमजोरी है अगर मैं सिगरेट पीती हूँ या मैं बदतमीजी करती हूँ या लोगों पर रौब जमाती हूँ। तो ये सारे अफवाहें इसलिए फैलाते हैं कि लोगों को एक्चुअली फेमिनिज्म से डर लगता है, ये हर गैर बराबरी के खिलाफ बोलता है। तो हमें कोई हैरानी नहीं है कि लोग हमें नापसंद करते हैं, और लोगों का मतलब सिर्फ मर्द नहीं है, बहुत सी औरतें भी हमें नापसंद करती हैं क्योंकि हम उनके भी खिलाफ बोलते हैं अगर वो सास है और बहू के साथ बदतमीजी करती है, फेमिनिस्ट होने का गलत फायदा उठाती है कि जी मेरा सामान आप उठाओ, जितनी बार आप मुझे चाय पे ले जाओ आप पैसा दो। तो फेमिनिस्ट कहती है कि राइट्स अगर चाहिए तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी निभानी पड़ेगी, हर राइट औरत को कमाना पड़ता है, कमाना चाहिए, और अगर वो मजबूत है, ताकतवर है, तो उसको दूसरों के बैग उठाने चाहिए, दूसरों के लिए दरवाज़ा खोलना चाहिए और दूसरों को अपनी सीट देनी चाहिए बस में और मेट्रो में जो उससे कमज़ोर है। हमारे कुछ धार्मिक लोग कहते हैं कि भगवान ने औरत अलग बनाई, मर्द अलग बनाया। हाँ सही है, लेकिन अगर हम देखें कि कुदरत ने क्या फर्क बनाया है और क्यों फर्क बनाया है, फर्क सिर्फ रिप्रोडक्शन के लिए है। औरत को बच्चेदानी दी है कुदरत ने, और बच्चेदानी दी है और ब्रेस्ट दी है कुदरत ने, और कुदरत ने कहा है कि तुम बच्चे पैदा करोगी और उनको अपने जिस्म से दूध पिला सकोगी। तो कुदरत ने तो हमें कमजोर बनाने की जगह ताकतवर बनाया है, हमें वो ताकत दी है जो मर्दों को नहीं दी, और इसके खिलाफ फेमिनिस्ट ने आज तक नहीं बोला है कि हमको ये ताकत नहीं चाहिए। हम तो ये कहते हैं कि कुदरत ने कभी ये नहीं कहा कि औरत मोटरसाइकिल नहीं चलाएगी, मोटरसाइकिल हाथ और पैर से चलती है, वो मर्द के भी है औरत के भी है। कुदरत ने ये नहीं कहा कि औरत प्राइम मिनिस्टर नहीं बनेगी या प्रेसिडेंट नहीं बनेगी या सड़क पर नहीं जाएगी। कुदरत ने सिर्फ ये कहा कि औरत को ज्यादा जिम्मेदारी है बच्चे पैदा करने की। तो हमें कुदरत से कोई शिकायत ही नहीं है। मैं हमेशा कहती हूं कि कुदरत फर्क बनाती है, भेद बनाती है, समाज उस भेद को भेदभाव में बदल देता है। उसके अलावा कुदरत ने कोई हमें ऐसे स्पेशल हाथ पैर नहीं दिए कि झाड़ू लगाने के लिए एक एक्स्ट्रा हाथ दिया हो, कपड़े धोने के लिए कोई एक्स्ट्रा हाथ दिया हो। और हकीकत तो यह है कि जब पैसा कमाने के लिए कुकिंग की ज़रूरत पड़ती है तो मर्द बेस्ट कुक है दुनिया की, और पैसा कमाने के लिए दर्जी बनना होता है तो मर्द दुनिया के सबसे बेस्ट टेलर्स हैं। पैसा कमाने के लिए सड़कें साफ करनी पड़ती हैं, सड़कों पर झाड़ू लगाती है तो मर्द आराम से वो सब कर लेते हैं। तो मैं ये नहीं मानती कि ये जो डिस्क्रिमिनेशन है औरत और मर्द के बीच वो नेचुरल है, वो कुदरत ने बनाया है। शादी के बाद कितना सपोर्ट था आपके हस्बैंड? पूरा सपोर्ट था, नहीं तो मैं शादी नहीं करती। अगर कोई ऐसा मियाँ होता जो मेरे को औरत समझ के नीचा समझता
तो मेरा तो काम नहीं चलता, तो अच्छे से ठोक ठाक के देख के फिर शादी की। उसको 5-6 साल तक हमारी दोस्ती थी। और फिर जब मेरा पहला बच्चा हुआ, मैं 32 साल की थी, और मुझे भी नैपी बांधना नहीं आता था, मुझे भी बच्चे की टट्टी साफ करना नहीं आता था, मुझे भी दूध पिलाना नहीं आता था, मैंने सीखा। अगर मैं नैपी बांधना सीख सकती थी तो मेरे खामिद भी सीख सकते थे, मैं बच्चे को गोदी में उठाना सीख सकती थी, वो भी सीख सकते थे, और सीखा। अब जैसे मैं दूध पिलाती थी उसमें मुझे 15 मिनट 20 मिनट आधा घंटा लग जाता था। फिर मुझे पता लगा कि यार दूध पिलाना काफ़ी नहीं है, उस बच्चे को डकार भी मरवाना पड़ता है, और कई दफ़ा डकार मरवाने में 20 मिनट लग जाते हैं, तो डकार तो मेरा खामिद भी मरवा सकता है ना, दूध नहीं पिला सकता है बेचारा, क्योंकि उसको भगवान ने घटिया जिस्म दिया है, वो दूध नहीं पिला सकता है, मगर चौड़ी छाती है। मेरे मियाँ की तो दाढ़ी भी थी, तो बच्चे आराम से उसकी छाती में फिट हो जाते थे दाढ़ी पकड़ के उसकी, और वो डकार दिलवा देता था, और मैं सो जाती थी, और जब वो बच्चा सो जाता था तो वो उसको अपने पास या मेरे पास लेटा देता था। और मैं नौकरी किया करती थी, मेरे मियाँ को बाहर नौकरी करना नहीं पसंद था, आज़ाद किस्म का बंदा था, तो मैंने कहा डोंट वरी, तुम घर रहो, मैं नौकरी करूँगी। तो मैंने नौकरी की, और उसने बच्चों को सुपरवाइज किया, बहुत अच्छी पार्टनरशिप थी, और फिर बच्चों ने भी देखा कि घर में कोई गैर बराबरी नहीं है, और उसी की वजह से बहुत से मैंने बच्चों के जो गीत लिखे उसी पर आधारित वो गीत हैं, कि घर में बाप भी बच्चों के साथ खेल रहे हैं, बच्चे को बोतल से दूध पिला रहे हैं, बच्चे को नहला रहे हैं, और एक बराबरी का माहौल है। ये अक्सर कहा जाता है कि फेमिनिज्म मर्दों के खिलाफ है, मगर ये सच नहीं है। अगर कोई दलित किसी ब्राह्मण को या ऊंची जाति वाले को कहता है कि भाई मुझे भी अधिकार दो, तो वो लोग कहते हैं कि ये हमारे खिलाफ है। आपके खिलाफ नहीं है, गैर बराबरी के खिलाफ है। आपके खिलाफ नहीं है, अपने भी हक चाहते हैं। तो हम लोग बिल्कुल अच्छे मर्दों के खिलाफ नहीं है, मगर हाँ कोई मर्द अगर बलात्कार करता है तो उसके खिलाफ तो हर मर्द को भी होना चाहिए। अगर कोई अपनी बीवी को मारता है उसके खिलाफ तो हर नेक मर्द को भी होना चाहिए। तो ये बिल्कुल सच नहीं है कि हम फेमिनिस्ट मर्दों के खिलाफ हैं। हम तो औरतों के भी खिलाफ हैं जो पेट्रियार्की को प्रमोट करती हैं। हकीकत से ईमानदारी तरीके से बात कर रहे हैं तो लोग मानते हैं, कभी ऐसा नहीं होता कि उन्होंने नहीं माना। और अगर नहीं मानते एक बार में तो हम बातचीत जारी रखते हैं, दोबारा बात करते हैं, क्योंकि कोई भी इंसान मेरे से बात करके 5 मिनट में बदल जाएगा जिसको वो पिछले 50 साल से मान रहा है, ऐसा तो नहीं हो सकता। और दूसरी बात है, जब लोग नहीं मानते, वो इसलिए नहीं मानते कि उनका दिमाग उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा, वो इसलिए नहीं मानते क्योंकि वो अपनी पावर नहीं छोड़ना चाहते। एक मर्द मान ले कि भाई बीवी और वो बराबर हैं, तो वो शाम को बैठ के 4 घंटे तक क्रिकेट का मैच कैसे देख सकता है, वो पका पकाया खाना खाने के लिए कैसे कर सकता है, वो अपने दोस्तों के साथ फिर बाहर कैसे जा सकता है। अगर वो मान ले, अगर ये कुदरती होता तो फिर सिर्फ 40% मर्द क्यों अपनी बीवियों को मारते हैं, फिर तो 100% को मारना चाहिए। फिर सिर्फ कुछ लोग क्यों औरतों को रेप करते हैं, फिर तो हर मर्द को औरत के पीछे भागना चाहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं। तो ये, और ये जो नेचुरल कहना इसको, ये बड़ी ज़बरदस्त साजिश है। नेचुरल कह के आप उस जुल्म की जिम्मेदारी से बच रहे हैं, आप कह रहे हैं कि नहीं हम इंसानों ने ये नहीं किया, ये कुदरत ने किया है, तो इस गैर बराबरी को बनाने की जिम्मेदारी नहीं ले रहे हो और इसको दूर करने की जिम्मेदारी नहीं ले रहे हो, और चाहते हो कि ये चलता रहे। जो लोग फायदे में वो फायदा लेते रहे, चाहे वो मर्द हैं, चाहे वो ब्राह्मण या ऊंची जाति के हैं, चाहे वो अमीर हैं, चाहे वो रेस वाले हैं, चाहे वो मेजॉरिटी कम्युनिटी है,
तो ये गैर बराबरी सिर्फ औरत मर्द में नहीं है, और ये तमाम सिस्टम्स मेरे अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से समाज ने बनाए हैं, कुदरत ने अमीर गरीब नहीं बनाए थे। वही बात है कि आप विक्टिम को ब्लेम करो कि ये तुम्हारी वजह से हो रहा है, तुम्हारी वजह से तुम नमक ज़्यादा डाल देती हो खाने में तो मैं थप्पड़ मार देता हूँ, अरे तुम बदतमीजी करते हो तो हम तो थप्पड़ नहीं मारते, तुम्हारा बॉस तुमको बिना वजह गाली देता है तुम उसको तो थप्पड़ नहीं मारते, हमारे पहनावे की वजह से हमारा बलात्कार होता है तो सबसे कम बलात्कार होते हैं आदिवासी समाज में, अफ्रीका में जो ट्राइब्स हैं, जो इंडिया में जो ट्राइब्स हैं, क्योंकि वहाँ औरत और मर्द ज़्यादा बराबर होते हैं, वहाँ तो कई जगह औरतें अपना ऊपर का हिस्सा ढकती भी नहीं है, तो वहाँ तो उनका बलात्कार नहीं होता। हमारे यहाँ नदियों पे औरतें नहाया करती थीं और आज भी नहाती हैं, वहाँ तो उनका बलात्कार नहीं होता। मर्द जो पूरे हिंदुस्तान में सड़क पे कहीं भी पेशाब करने लग जाते हैं, उनका तो हम औरतें बलात्कार नहीं करती क्योंकि नंगे खड़े हैं, एक जांघिया पहन के घर में घूमते रहते हैं, उनका तो बलात्कार नहीं होता। और वो 4 महीने की बच्ची जिसका बलात्कार होता है उसने क्या पहन रखा था, और वो 70 साल की औरत जिसका बलात्कार होता है साड़ी पहन के, तो ये सब वही है कि जिसके साथ जुल्म हो रहा है उसको जिम्मेदार ठहरा दो। कि औरतें ऐसे क्यों निकलती हैं बाहर, तो भैया अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप घर के बाहर मत निकल दीजिए, अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप अपनी आंखों पर पट्टी बांध दीजिए, एक बुरके में से 50 ऐसी आंखों की पट्टियां बन सकती हैं, क्योंकि प्रॉब्लम तो आपकी है ना। आप हर औरत को देख के भड़कने लगते हो, तो यार या तो आप साइकाइट्रिस्ट के पास जाओ, डॉक्टर के पास जाके इलाज कराओ, या बाहर मत निकलो, या आंख पे पट्टी बांध के बाहर निकलो, हम क्या कर सकते हैं इस बात का। नारीवाद क्यों कहते हो, तो भैया इसलिए कहते हैं कि अगर स्टूडेंट्स अपने राइट्स की बात करते हैं तो उसको वो स्टूडेंट मूवमेंट कहते हैं, वो बुजुर्गों के खिलाफ नहीं है, मगर वो नहीं कहते कि ह्यूमन मूवमेंट है, वो कहते हैं स्टूडेंट मूवमेंट है। दलित जब अपने आप को ऑर्गेनाइज करते हैं तो वो कहते हैं कि ये दलित मूवमेंट है। इसी तरह जब हम औरतों की बराबरी की बात करते हैं, क्योंकि इसमें दलित कौन है, औरत, हक किसके मारे गए, औरतों के, किसकी आवाज बुलंद करना चाहते हैं, औरतों की, किसकी लीडरशिप प्रमोट करना चाहते हैं, औरतों की, इसलिए सिर्फ हम इसको फेमिनिज्म या नारीवाद कहते हैं। लेकिन इसके अंदर हम नहीं कहते कि आज मर्द औरत पर राज कर रहा है, कल औरत मर्द पर राज करेगी। जैसे दलित मूवमेंट कभी ये नहीं कहता कि आज तक दलित पिटे थे कल से ब्राह्मण पिटेंगे, वो सिर्फ और सिर्फ बराबरी की बात करते हैं, क्योंकि हम औरतें जानती हैं कि अगर औरतों को दबाने से समाज का नुकसान होता है, फैमिलीज का नुकसान होता है, तो कल हम मर्दों को दबाना शुरू कर देंगे तो क्या फैमिली का नुकसान नहीं होगा, क्या देश का नुकसान नहीं होगा। और जिसने गैर बराबरी का दर्द सहा है वो तो और गैर बराबरी की बात नहीं करेंगे, मगर हमेशा जब कोई भी दबा हुआ तबका अपने अधिकार की बात करता है तो जो आज ज्यादा अधिकार लेके बैठे हैं उनको तो पसंद नहीं आएगा, उनको अपनी राजगद्दी, अपना सिंहासन हिलता हुआ दिखता है, और फिर वो कहते हैं ये नेचुरल है, ये भगवान ने बनाया। ब्राह्मण कहता है जातिवाद भगवान ने बनाया, वाइट भी यही कहता है रेस भगवान ने बनाई। अरे भगवान ने गोरा बनाया, मगर भगवान ने ये नहीं कहा कि गोरा जो है वो सुपीरियर है। भगवान ने हाथी और चींटी बनाई, क्या कभी कहा कि हाथी सुपीरियर है? भगवान ने ऊंचा मर्द और नीचा मर्द बनाया, भगवान ने नहीं कहा या कुदरत ने नहीं कहा कि ऊंचा वाला तो हैंडसम है, छोटका जो है हैंडसम नहीं है। ये
कुदरत ने आज तक नहीं कहा। हमारे यहाँ कहते हैं कि साहब पांचों उंगलियां बराबर नहीं है, साइज में बराबर नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर ये अंगूठा साइज में बराबर हो जाए तो मेरा हाथ काम ना करे। ह्यूमन हैंड के लिए जरूरी है कि किसी का साइज छोटा हो, किसी का बड़ा हो, तभी काम कर सकता है ये ह्यूमन हैंड। मगर खून इसमें से भी निकलता है, इसमें गैंग्रीन हो जाए तो मेरा शरीर तपता है। जब मैं नहाने जाती हूं तो ये नहीं कहती कहते छुटकी तेरे को नहीं नहलाऊंगी। तो ये साइज में बराबर नहीं है, रोल में, इंपॉर्टेंस में, अहमियत में ये बराबर है, तभी मुट्ठी बनती है। इसी तरह औरत और मर्द का है, दलित और ब्राह्मण का है। और मैं हमेशा इन चीजों को मिला कर कहती हूँ, मैं नहीं कहती हूँ कि ये सिर्फ औरत मर्द की बात है। हर सिस्टम ऑफ पावर में पावरफुल जिनको हम क्वेश्चन कर रहे हैं वो तिल मिलाते हैं, उनका सिंहासन जाता नजर आता है, और ऐसे आर्गुमेंट्स वो घटिया आर्गुमेंट्स देते हैं। एक दलित आदमी ब्राह्मण के साथ तो बराबरी चाहता है, जब उसकी बीवी बराबरी की बात करती है तो वो ऐसे नाटक करता है। तो यार अगर तुम्हें बराबरी पसंद है किसी और से, तो औरत को भी बराबरी पसंद है तुम्हारे साथ। Thank you.